अभी रात के बज रहे हैं 10 और अभी घर से आए हैं कोल्ड ड्रिंक पीने के लिए। घर सामने और ये ढाबा। हे गुड मॉर्निंग। तो आज है डे 5 यानी कि 12th of June। कल के जो दो बड़े बड़े काम थे, एक तो बोरवेल स्टार्ट करना वो हो गया, काफ़ी नहाए हम उसके अंदर क्योंकि फर्स्ट टाइम चला था, पानी भी काफ़ी मीठा था। और सेकंड काम था इसको फिल करना। अब इसको, इसकी और बोरवेल की, इनकी कहानियाँ मैं आज बताऊँगा, लेकिन उससे पहले बताता हूँ आज का मतलब काम क्या है जो मुझे करना है। आज मुझे एक तो जाना है अभी जो हमारे यहाँ का गवर्नमेंट हॉस्पिटल है उसके अंदर, क्योंकि मम्मी को कुछ काम है, मामी को दिखाना है, मतलब फीवर वीवर है तो वो काम करना है। और उसके बाद शायद वो फावड़ा उठा के इसको सही करना है, उस बच्चे गड्ढे को भरना है। पहले क्या कर रहा है, क्या कर रहा है? फिलहाल बज रहे हैं सुबह के 9 और हॉस्पिटल जाना था तो वहाँ चलते हैं। और धूप इतनी ज़्यादा है ना कि ऐसा लग रहा है कि दिन के 2-3 बज रहे हो। तो पंचायत में डायल हो गया ना कि पूरा गांव 6 बजे उठ के बैठ जाएगा, तो 9 बजे तो दोपहर ही लगेगी, तो वो वाला सीन है। तो गाड़ी निकालते हैं और चलते हैं हॉस्पिटल तरफ, कुछ मिला रास्ते में खाने का तो भी खा ही लेंगे। तो ये सामने गाँव का हॉस्पिटल, मतलब गाँव का तो नहीं लेकिन जो मेन बड़ा मार्केट पड़ता है उसका, और ये यहाँ का मार्केट। तो ये जो जगह है इसका नाम है भुसावर और यहाँ के अचारों मुरब्बे काफ़ी फेमस हैं। सामने गाड़ी पार्क कर दी और अभी मम्मी का वेट कर रहा हूँ, वो अंदर स्लिप कटवाने गई है, शायद 5 की या 10 रुपये की है, उसके बाद देखते हैं कहाँ चलते हैं। सोप है इसको, ऑफर देखो, सिम के साथ ड्यू की बोतल फ्री। हॉस्पिटल वाला काम भी हो गया और माँ ने बताया कि ये हॉस्पिटल वही था जिसके अंदर मेरा बर्थ हुआ था। बाकी उसके बाद एक क्लिनिक पे चले गए थे, एक डॉक्टर है उनके, अब जा रहे हैं घर के लिए। तो अभी जो माँ है कुछ मैंगो लेने गई है, और जैसे मैं बता रहा था कि ये जो है जगह है भुसावर नाम है, तो यहाँ के अचारों और मुरब्बे काफ़ी फेमस है, तो आपको यहाँ पे अचार की ऐसी काफ़ी शॉप मिलेंगी। सामने ये पुलिस फायर स्टेशन, देन इसके बगल में ही पुलिस स्टेशन है। मैं माँ का वेट कर रहा हूँ, उसके बाद घर पहुँचते हैं। और तो नहाया भी नहीं हुआ अभी तक, घर पहुँच के मतलब शॉवर लूँगा, उसके बाद देखते हैं कि क्या काम करना है क्या नहीं करना। दिन का कोई काम फिक्स है नहीं आज, शाम को देखते हैं क्या होता है। तो अभी चलते हैं पहले घर के लिए। मार्केट से आने के बाद अब खाना खा रहा हूँ, पराठे, ये रायता जिसके अंदर बूंदियाँ नहीं है, ये पुदीने का नमकीन, और ये भाई इतनी बिजली खाता है, मतलब तो इसका वो ऊपर वाला बटन ख़राब हो गया, तो 16 से ऊपर बढ़ता नहीं है। और इसको अगर मैं फुल नाइट चलाता हूँ 5-6 घंटे, तो 5-6 घंटे के अंदर ये 12-13 यूनिट खा जाता है। वो चलाता ही नहीं उसको भी, बैठा हूँ उसके अंदर क्योंकि बाहर बहुत धूप है। तो खाना खाने के बाद और टाइम हो रहा है अभी 1, फिर कुछ और देखते हैं, या सो जाऊंगा या पढ़ लूँगा। शाम के बज रहे हैं 5 और मौसम थोड़ा भी अच्छा हुआ है, तो आपको तो दिखाता हूँ
यहाँ पर आप देखोगे तो लिख रहा है, मतलब नाम लिख रहा है भगवत सिंह बबलू। तो भगवत सिंह ताऊ जी का नाम है, बबलू पापा का, यानी कि जो निकनेम होता है वो, अप्रैल 1995। तो जो बोरवेल की कहानी है वो यहाँ से स्टार्ट होती है। तो एक ये प्याऊ है, मतलब एक पुरानी जो बोरवेल थी वो 1995 में बनाई थी। उसके बाद मतलब तब से कहानी स्टार्ट होती है। ले खा, एक खा तो थोड़ा सा। तो ये बोरवेल के इस तरफ का है, मतलब बोरवेल नहीं है, जो प्याऊ बोलते हैं जहाँ पे पानी स्टोर होता है। तो फर्स्ट जो थी वो ये करवाई थी, और इसके अंदर चार पार्टनर थे, पापा, पापा के मतलब जो रियल ब्रदर हैं ताऊ, एक के बगल में भैया रहते हैं ये, और एक जना और था। तो टिल 2007 तक तो सब ने साथ मतलब उसको यूज़ लिया, पर फिर उसके बाद क्या किया, जो हमारे ताऊ जी हैं इन्होंने दूसरी करवा ली, प्लस वो जो बोरवेल थी उसको बंद करवा दिया, मतलब कुछ कंप्लेंट करके कि ये लोग बिजली चोरी करते हैं ऐसे कुछ करके, तो वो बोरवेल बंद हो गई। तो पिछले 15 सालों से हम लोग बिना पानी के थे यहाँ पे, बिना पानी के मतलब कि जैसे गाँव में सबकी बोरवेल होती है या खेतों में आती है लोगों का पाइप, तो हम किसी का भी ले लेते थे, मतलब हम नहीं भैया ले लेते थे, फिर वो भैया इसको भरवाते थे इस कुंडे को, यहाँ से फिर हम लोगों के पानी सप्लाई होता है नल का। तो 15 साल से हम ऐसे ही करते आ रहे हैं, लाइक दूसरे से पानी लेके रेंट पे या फिर पैसे दे के वही चीज़ करते आ रहे थे। तो उसके बाद बोरिंग कराने का था हमारा, लेकिन गांव में क्या है कि ये जो मेन स्टेट हाईवे निकल रहा है इसके इस तरफ है सबकी, इसके इस तरफ कोई बोरवेल नहीं है, और कहते हैं कि इधर की जब जो पानी है वो काफ़ी कड़वा और खारा है। तो इस तरफ शायद सिर्फ एक ही बोरवेल हुई है आज तक, मतलब आज से पहले तक। तो वो जो बोरवेल थी वो गवर्नमेंट ने कराई थी, जो कि ये था, इसमें इतना खारा पानी था, बिल्कुल कड़ा पानी। तो अब हम लोगों के पास मतलब पूरे गांव की जो बोरवेल्स हैं मोस्टली वो हैं जो पहाड़ है गांव में उसके साइड में, उधर हम लोगों की कोई लैंड थी नहीं, तो करवाएं गांव पर, इशू ये आ रहा था। तो काफ़ी टाइम से सोचते आ रहे, तो लास्ट ईयर पापा मम्मी गांव थे, तो उन्होंने डिसाइड किया कि गांव का ही कोई आदमी था और उसकी जो लैंड है थोड़ा पास में थी इस रोड के इस तरफ, तो उसने बोला कि मैं अपनी लैंड आपको दे देता हूँ कुछ थोड़ा सा पार्ट, क्योंकि आपको अगर बोरवेल करानी है उसके लिए आपको जैसे इसका जो एरिया है ना इतनी ही लैंड काफ़ी होती है, लाइक इतनी इसमें आपका काम हो जाता है, क्योंकि इतना सा पाइप लगता है, वो आपने देखा हो तो वहाँ पर ब्लैक वाला। तो उसने बोला था कि मैं एग्रीमेंट बना लेता हूँ, आप उतना मेरे से ले लो, आप अपनी बोरवेल करवा लो। तो सब कुछ फिक्स हो गया था। तो जो बोरिंग आने वाली थी तो उससे 5 मिनट पहले उसने मना कर दिया कि मैं अपना खेत नहीं दूंगा। तो पता नहीं किसी ने भड़का दिया होगा, क्योंकि हम लोगों की बनती नहीं ताऊ उसे, क्योंकि डिस्प्यूट इतना चल रहा था काफ़ी ज़्यादा। तो मम्मी पापा दोनों से गाँव उनका दिमाग ख़राब हो गया कि मतलब क्या करें, क्योंकि इशू यह आ रहा था ना कि जितने भी जो जितनी भी हमारी लैंड है उस रोड के इस तरफ है, क्योंकि घर भी इस तरफ है और सब कुछ इधर है, और उधर हमारा कुछ भी नहीं है, और इस तरफ आज तक किसी ने बोरिंग नहीं कराई थी, और लोग यही कहते थे कि कड़वा पानी है, कड़वा पानी है, तो रिस्क नहीं लेना चाहता था कोई भी। फिर पापा भी बोले कि चलो कोई नहीं देख लेंगे, कोई और देखते हैं, पर हमारी मम्मी जी थोड़ी है वो, उनको उन्होंने वो बात दिल पे ले ली कि इसने मना कैसे कर दी। तो फिर हुआ क्या कि शायद आंधी आ गई काफ़ी ज़्यादा, तो मम्मी ने बोला कि आप बोरिंग कराएंगे और घर के अंदर ही कराएंगे, मतलब इस सामने घर है इसके अंदर, मतलब इसके बगल में थोड़ी साइड में थोड़ी ज़मीन थी उसके अंदर। अब गाँव वाले हंस रहे कि करा लो करा लो, पैसे बर्बाद कर रहे हो, जिसने लैंड देने से मना कर दिया वो भी हंस रहा, पापा भी थोड़ा डर गए, बोला ऐसे कैसे करा ले, क्योंकि काफ़ी पैसा लग जाता है उसके अंदर। बट मम्मी बोली नहीं कराएंगे तो यहीं कराएंगे। फिर 2 दिन के अंदर डिसीजन लिया, उसके बाद बोरिंग स्टार्ट हुई लास्ट ईयर जुलाई के अंदर, फिर कराना स्टार्ट किया। देन 5 दिन 6 दिन वो चली, डर लग रहा था कि डरा देते थे लोग बाकी कुछ नहीं निकलेगा, आप क्यों पैसे बर्बाद कर रहे हो यहाँ पर। फिर लाइक फाइनली 31 जुलाई को पानी निकल गया उसके अंदर, और इतना ज़्यादा पानी निकला उसके अंदर इतना गांव की किसी बोरिंग के अंदर नहीं है, क्योंकि उसमें ऊपर खारा पानी था उसको उन्होंने बंद कर दिया था, और नीचे कुछ 550 फीट के अंदर नीचे जाके पानी निकला, काफ़ी गहरा था। तो फाइनल पानी हो गया उसके अंदर, बिल्कुल मीठा पानी, और इतना ज़्यादा पानी निकला उसके अंदर। उसके बाद जो पूरा गाँव गया, पहली बोरिंग थी पूरा गाँव यहीं पर आके बैठ गया, शाम को मस्त सा मस्ती मार रहे हैं, और जो लोग मजाक उड़ा रहे थे वो लोग फिर दिखे ही नहीं उसके बाद, पता नहीं कहाँ गए।
तो ऐसी उसकी कहानी थी बोरिंग की। तो एक साल बाद अब क्या कर रहे हैं, उस बोरिंग को पहले तो जो पानी की मोटर डालते हैं फाइनल वाली, उसको डालने से पहले एक बार चेक कराना होता है कि पानी चेक कर ले कि कैसा प्रेशर आ रहा नहीं आ रहा, क्योंकि एक साल से पड़ी है बंद वो। तो अभी वो काम कर रहा था कल, वो एक मोटर बुलाई तो उसने, वो लेते हैं 4000, उनके पास मोटर होती है, सब कुछ होती है। तो वो उन्होंने चेक किया, पानी निकला। अब उसके अंदर साइड में पापा बाउंड्री वॉल करवा रहे हैं, वो शायद कल से स्टार्ट होगी। गड्ढा भी भर चुका है, वो रात में भर दिया था, और उसके अंदर मोटर सब कुछ डल जाएगा। तो अब हमारे पास खुद का पानी है, पहले वो नहीं था। तो मैं ऐसे कह रहा था ना कि हमारे गांव में पानी बहुत है, पानी बहुत है, लेकिन खुद का नहीं था। वो रेंट का पानी था कि हम किसी से रेंट पे ले रहे हैं पैसे से पानी लेके, फिर हम भर रहे हैं पीने का, खाने का, नहीं खेतों का। तो अब हम लाइक जो आसपास के जितने भी खेत हैं उनमें हम तारबंदी करवाने वाले हैं, ताकि उनके अंदर गोवा फार्म्स उगा सके, जैसे ये गोवा फार्म्स हैं सामने भी वही है। तो अभी हमने ये नहीं करवाए थे आज तक, क्योंकि उसके लिए पानी चाहिए होता है खुद का आपको, वो हमारे पास था नहीं। तो पानी का भी हो गया है, तो इस जो मानसून पे वो भी फार्म भी उगी जाए, मतलब डेवलप हो जाएगा। तो ये थोड़ी कहानी थी। तो कल जैसे ही, मतलब कल तो फिर भी लोग कम थे, कल तो फैमिली वाले थे, फैमिली वाले मतलब मैं, मम्मी पापा और ये बगल में भैया रहते हैं कज़न भैया, ये इनकी फैमिली थी। ताऊ तो नहीं था, हमारा बात बात नहीं होती तो वो नहीं था। तो हम लोग थे, तो काफ़ी मतलब खुशी हो रही थी देख के उस चीज़ को कि 15 साल तक वेट किया, 15 साल बाद पानी मिला हमको खुद का, वो भी इस तरह से मिला, इतना सारा पानी मिला। तो ये कुछ कहानी थी बोरवेल की। तो बाकी अब कुछ और ढूंढते हैं, करते हैं कुछ और। मौसम काफ़ी अच्छा हो गया, बारिश की भी चांसेस हैं, देखो हो जाए तो अच्छा है। अभी ताई जी ने एक ऐसा काम दिया है जो मैंने कभी किया नहीं है, और वो जो काम है वो है उनका जो चिलम है उसमें आग धर रखने का। तो करके देखते हैं वरना गाली खा लेंगे, शायद हो गया। लो अभी बज रहे हैं शाम के 7, और ये अंदर वैसे क्या कर रहे हो, क्या कर लो, क्या कर लो, क्या कर लो, अरे सो जाओ। और अभी मस्त आंधी आ रही है काफी तेज, जो बजरी का ट्रैक्टर है वो आ गया, अब उसे खाली कराता हूँ जाके पहले, फिर खाना खाएंगे। मिरिंडा निकाल, मिरिंडा मिरिंडा भी है वो बड़ी वाली में, 15-15 रहेंगे चारों के हाथ में, ले ले। ये छोटी है, छोटी कौन सी, छोटी पेप्सी 750, छोटी में तो अपने हिसाब के पट में ही नहीं आएगी। अभी रात के बज रहे हैं 10, और अभी घर से आए हैं कोल्ड ड्रिंक पीने के लिए, घर सामने और ये ढाबा। गाँव का ये फायदा रहने का, ये हमारा दीक्षित होटल शुद्ध शाकाहारी जिसमें टंगड़ी के अलावा कुछ नहीं मिलता।